बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बहुत ही जो है वो यमी और एक्स्ट्रा क्रिस्पी से जो है वो चैडर चीज़ स्टिक्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही क्रिस्पी बाहर से और अंदर से बहुत ही यमी होती हैं, बहुत ही मज़ेदार होती हैं और स्पेशली बच्चों को ये बहुत ही पसंद होती हैं। टी टाइम के लिए और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आइडियल रेसिपी है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही यमी और टेस्टी ये बनती है। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार से एक्स्ट्रा क्रिस्पी एंड यमी सी जो है वो चैडर चीज़ स्टिक हम कैसे बनाएंगे। पड़ी हुई है तो इसको सबसे पहले हम जो है वो काट लेंगे। इस तरह स्टिक्स हम इसकी काट लेंगे। तीन से चार चम्मच जो है वो मैदा ले लेंगे। मैदे में डालेंगे थोड़ा सा नमक, काली मिर्च कुटी हुई, पेपरिका पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मैदे में मिक्स कर लेंगे। इसको साइड पे करेंगे। अंडे तोड़ लिए हैं, डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च कुटी हुई, फेंट लेंगे। एक प्लेट में हम ब्रेड क्रम्स डाल लेंगे। सबसे पहले चीज़ स्टिक को लेंगे, इस तरह मैदे वाले जो है मिक्सचर में हम इसको अच्छी तरह मैदा कोट करेंगे। इसके बाद एग वाले मिक्सचर में डालेंगे। और वहाँ से हम ब्रेड क्रम जो है वो उस पॉट में डालेंगे। इस तरह रखते जाएंगे सबको लगा के। यहाँ पे हमने सारे स्टिक्स को कोट कर लिया है। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ताकि थोड़ी देर सेट हो जाए। अच्छी तरह दोनों साइड से जो है वो गोल्डन क्रिस्पी होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये सारी साइडों से अच्छी तरह जो है वो गोल्डन हो चुके हैं तो अब हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो गोल्डन कलर इनको आया है। फाइनली जी बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही प्यारी सी गोल्डन कलर जो है वो इसको आया हमारी
स्टिक्स जो है वो तैयार हैं, देखने में बहुत खूबसूरत हैं। आप इनकी चेक करें कि ये कितनी क्रिस्पी है। ऊपर से जो है वो जितनी क्रिस्पी हैं, अंदर से इतनी ही ये जो है वो यमी है। अभी हम आपको जो है वो ट्राई करके दिखाते हैं। बहुत ही यमी सी लुक है इसकी और बच्चों का फेवरेट जो है केचप के साथ हम इसे ट्राई करेंगे। आप से टी टाइम में भी ले सकते हैं और स्पेशली बच्चों को जो है वो लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।